Hello students, in today's video I am going to start chapter number 9. Name of chapter is transport and excretion. Firstly we will understand meaning of the term transport and excretion जो कि इस chapter के इस first para में दिया गया है। बच्चे आप सभी को पता है कि जो human adults होते हैं उनकी body में करीब करीब 50,000 billions of cells होते हैं। ओके इन सेल्स के पास फूड का पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है एंड साथ ही साथ ऑक्सीजन को भी हमारे हर एक सेल तक पहुंचना ज़रूरी है। क्लियर है? एंड हमारे सेल्स के अंदर बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, वेस्ट मटेरियल बनते हैं, उनको भी सेल से बाहर ले जाना बहुत ही ज़रूरी है। क्लियर है? तो इन चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। क्लियर है? टू कैरी सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। क्लियर है? तो ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस में क्या होती है, सब्सटेंसेस को बॉडी के एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक ले जाई जाती है। सिमिलरली एक्सक्रीशन में क्या होता है, एनिमल्स एंड प्लांट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट मटीरियल प्रोड्यूस करते हैं। इन वेस्ट मटीरियल को बॉडी से आउट करना बहुत ही ज़रूरी होता है and this process of removal of waste material from body is called excretion. Excretion का meaning ही होता है to remove. किसको remove करना है? Waste material को remove करना है, तो इस process को हमने क्या नाम दे दिया, excretion. Clear? Now next हम देखेंगे transport in materials in plants. अब बच्चे plant चूँकि living organism के अंदर आता है तो इसमें भी मटेरियल की ट्रांसपोर्ट होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है प्लांट्स में किस टाइप के मटेरियल की ट्रांसपोर्ट होती है। बच्चे प्लांट्स को वाटर की नीड होती है, मिनरल्स की नीड होती है, साथ ही साथ फूड की भी नीड होती है। इन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट्स में एक टिश्यू होती है जिसको बोलते हैं हम वास्कुलर टिश्यू एंड ये टिश्यू प्लांट के रूट टिप से लेकर लीफ टिप तक एक्सटेंड होती हैं। क्लियर? नाउ वास्कुलर टिश्यू टू काइंड की होती है, टू टाइप की होती है, जाइलम एंड फ्लोएम। फर्स्टली हम जाइलम के बारे में पढ़ेंगे। जाइलम एक ऐसी वास्कुलर टिश्यू है जो प्लांट में वाटर एंड न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करती है। क्लियर है? बच्चे जो मिनरल्स होती हैं एंड वाटर होती हैं वो कहाँ होती हैं, सॉइल में ही होती है। ये वाटर एंड मिनरल को रूट एब्जॉर्ब करता है एंड ये वाटर कहाँ तक पहुँचती है, लीव्स तक पहुँचती है थ्रू अ सिस्टम ऑफ पाइप। पाइप लाइक एक सिस्टम होती है जिसके थ्रू पहुँचती है। तो ये जो पाइप उस प्लांट की बॉडी में थ्रू आउट रन कर रही है वो क्या हो गई, जाइलम हो गई। आप देख सकते हो इसमें जाइलम की पोजिशन, सेंटर पे आपकी जाइलम है, फिर ये फ्लोएम है। जाइलम एंड फ्लोएम को जो सेपरेट कर रही है दिस इज कैम्बियम एंड ये जो सर्कुलर शेप में है दिस इज एंडोडर्मिस। ये मतलब ये जो डर्मिस है ना इसके जस्ट नीचे ये वाली जो पोर्शन है दिस इज एंडोडर्मिस। ठीक है? उसके बाद एपिडर्मिस सबसे ऊपर वाली लेयर को, फिर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो है कॉर्टेक्स एंड देन इसको रूट हेयर कहा जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं फ्लोएम पे। फ्लोएम जो है एक वास्कुलर टिश्यू है एंड वो लीफ में बने हुए फूड को कैरी करता है एंड कैरी करके कहाँ पहुँचाता है, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँचाता है थ्रू अनदर सेट ऑफ पाइप्स। फर्स्ट केस में, जाइलम के केस में भी हमने देखा था एक पाइप सिस्टम बनी हुई थी, यहाँ भी एक पाइप सिस्टम है बट इस पाइप के थ्रू फूड मटीरियल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फूड हमारा प्लांट के लीफ में बनता है तो लीफ से उस फूड को प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक फ्लोएम टिश्यू के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया प्लांट की जो रूट होती हैं वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं एंड वाटर में मिनरल्स डिजॉल्व होते हैं। तो ये मिनरल्स क्या होते हैं, रूट के थ्रू वाटर एंड मिनरल्स जो हैं सॉइल से एब्जॉर्ब करने के बाद ये प्लांट के वेरियस पार्ट तक पहुँचते हैं। क्लियर? तो ये क्या होता है, जाइलम के थ्रू होता है एंड फ्लोएम के थ्रू फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं बोथ आर नॉन लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू। ये नॉन लिविंग होते हैं बट ये चीज़ों को कंडक्ट करते हैं एंड इनकी वॉल कैसी होती है, थिक वॉल होती है। क्लियर?
नाउ एक एक्टिविटी है जिसको हम समझते हैं डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन। सबसे पहले ये ट्रांसपिरेशन क्या होती है उसको समझेंगे। ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी ऑफ द प्लांट। क्लियर। इसके लिए इसको हम इस एक्टिविटी से समझ सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, एक पॉटेड प्लांट लेना है एंड इस पॉटेड प्लांट के पॉट को क्या करना है, पॉलीथीन शीट से अच्छे तरीके से कवर कर देना है। फिर इस प्लांट के ऊपर हम एक बेलजार को इस तरीके से रखेंगे, बेलजार को बिल्कुल एयर टाइट कर देंगे, इससे अच्छे से फिक्स कर देंगे एंड इस पूरी सेटअप को सनलाइट में रखेंगे। क्लियर। आप देखोगे सनलाइट में रखने के कुछ देर के बाद, आफ्टर हाफ एन आवर के बाद, आप देखोगे कि इस बेलजार की सरफेस पे वाटर वेपर दिखाई देंगे, है ना, वाटर के वेपर दिखाई देंगे जो कि ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आ चुके हैं। लेकिन हमारा बेलजार एंड सॉयल एंड वाटर जो भी है ये पूरी तरीके से क्या किया गया था, कवर्ड था, तो ये वाटर के ड्रॉप्स यहाँ आए क्यों, कैसे आए? तो इट कम्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, मतलब प्लांट की जो सर्फेसेस हैं वो वाटर को लॉस करती हैं एंड इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मीनिंग होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। जो लीफ में फूड सिंथेसाइज होते हैं उस सिंथेसाइज्ड फूड को लीफ से प्लांट के डिफरेंट बॉडी तक पहुंचाने की जो प्रोसेस है उसको ट्रांसलोकेशन कहा जाता है एंड इसको कौन सा वास्कुलर टिश्यू करता है, फ्लोएम वास्कुलर टिश्यू करता है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि ये लॉस ऑफ वाटर होती है फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द प्लांट। प्लांट्स को जितनी भी वाटर की ज़रूरत होती है वो उन वाटर को यूज़ कर लेता है एंड रिमेनिंग वाटर को बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एटमोसफेयर में रिलीज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो इस प्रोसेस को ही हमने ट्रांसपिरेशन का नाम दिया। अब इस ट्रांसपिरेशन के क्या एडवांटेजेस हैं, इट हेल्प्स इन इवापोरेटिंग एक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट। प्लांट के एक्सेस वाटर को इवापोरेट करने में हेल्प करता है, प्लांट बॉडी की टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। थर्ड इट हेल्प्स इन एसेंट ऑफ सैप, सैप को ऊपर चढ़ने में हेल्प करता है एंड फोर्थ इट हेल्प्स इन अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स की अपवर्ड कंडक्शन में ही हेल्प करता है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होने से क्या होती है, प्लांट स्टार्ट विल्टिंग। अगर एक्सेस वाटर उससे निकल गई तो वो प्लांट की जो लीव्स हैं वो क्या होंगी, विल्ट करने लगेंगी, मुरझाने लगेंगी। सेकेंड इट इंक्रीजेज लॉस ऑफ वाटर, इससे ज़्यादा वाटर की लॉस होगी हैंस वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। क्लियर बच्चे, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमल्स में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस होती है उसको समझेंगे। थैंक यू।